किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। किसान भाइयों, ये मई का माह है और आज 12 तारीख हो चुकी है। आप सबको पता है कि अब जून के प्रथम सप्ताह में अमरूद की कटिंग है। बहुत फोन आते हैं किसानों के कि हमारा अमरूद ऐसा हो गया, अब हम कब कटिंग करेंगे, इस प्रकार के नाना प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। आइए आज उस अमरूद की जगह वही है जहां पर मैंने पहली 3 वीडियो बनाई थी और उसी अमरूद को मैं दिखाऊंगा और उसके बाद में अपने फार्म पर ले जाऊंगा, वहां दिखाऊंगा कि क्या तैयारियां चल रही हैं, जो जून के प्रथम सप्ताह में तैयारी होंगी, आइए उन पर चर्चा करते हैं। उसके लिए आप सब अब से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और जब जून के सप्ताह में प्रथम सप्ताह में हम कटिंग करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कटिंग किस प्रकार का। आइए देखते हैं क्या तैयारियां। अच्छा किसान भाइयों, ये देखिए, ये है मेरा पेड़ जिस पर मैंने पहली कटिंग की थी जो 15 फरवरी को की थी और उसके बाद फिर 45 दिन बाद और 60 दिन बाद मैंने आपको दिखाया था कि क्या कार्य किया। देखिए, आप देखेंगे इसकी शाखाएं देखिए कितनी बड़ी शाखाएं हो चुकी। ये लगभग आपकी शाखा 2 फुट की होगी। ये देखिए सारी शाखाएं देखिए कितनी अच्छी शाखाएं हो चुकी और ये कितनी मजबूत भी हो गई है। ये देखिए, तो जो हम इसको कैनोपी का रूप देने जा रहे थे अब हम इसकी जून के प्रथम सप्ताह में कटिंग करें। किसान भाइयों, एक बात यहाँ पर ये ध्यान देने की है, जब पौधा 2 साल का हो जाता है तो तीसरे साल से उसकी कटिंग सिर्फ एक ही बार होती है और ये कटिंग उस पर निर्भर करती है कि आपको कितनी बार उस पर से आपको फल लेने हैं। अगर आपको इसके फल बरसात के लेने हैं तो आपको कटिंग फरवरी में करनी पड़ेगी, अगर आपको फल इसके सर्दियों में लेने हैं तो इसको जून में कटिंग करनी पड़ेगी। मुझे इसके फल अब फल लूंगा मैं इस पर, ये पौधा अब 1.5 साल का हो जाएगा और जब मैं इसकी कटिंग करूंगा तो इसमें फिर नए कल्ले आएंगे और मुझे सर्दियों के फल मिलेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, ये तना अगर आप मेरी 15 फरवरी की वीडियो देखेंगे तो कितना मजबूत हो चुका है ये तना और अब ये कुछ फल का जो भार है वो सहने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो घर में है सबसे बड़ी एक समस्या आती है। अब मैं बताता हूँ क्या कार्य करने हैं जब हम जून में इसकी कटिंग करेंगे, लगभग 20 दिन बाद हम एक इसकी कटिंग करेंगे तो क्या कार्य करेंगे। आप ये देखिए इसकी जगह लगभग 6 इंच जगह चारों ओर छोड़ दी है एक सर्किल के रूप में। इसके बाद 1 फीट तक हम इसको लगभग 4 इंच गहरी इसको खोद देंगे। तो आपके पास इतनी जगह होनी चाहिए घर पर अगर लगाया है कि ताकि ये खोद सके, क्योंकि इस हिस्से में ही इसकी सेकेंडरी रूट्स होती हैं, ये जो द्वितीय जड़ें होती हैं वो होती है और वे 4 इंच नीचे होती हैं जो के भोजन ग्रहण करती हैं। तो एक तो आप इसका प्रबंधन कर लीजिए। मैं भी इसको क्या कराऊंगा, इसको यहां तक अब ईंटें निकलवाऊंगा इसकी, कम से कम यहां तक निकलवाऊंगा और इसके बाद इसका एक अच्छा सा एक रूप बना दूंगा, जगह बना लूंगा और लगभग अब से 10 दिन बाद यानी 20 और 25 मई के आसपास मैं इसको खुदवा दूंगा, तब भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करूंगा। तीसरी चीज क्या कर लीजिए, आप अपनी खाद की तैयारी शुरू करो। तो अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपोस्ट खाद दोनों अवस्था में आपके पास होना चाहिए। अब कितना कंपोस्ट खाद पर पौधे को आपको देना है ये मैं बता, प्रत्येक वर्ष 10 किलो कंपोस्ट खाद होना चाहिए। अगर आपका पौधा 1 साल का है तो 10 किलो खाद दीजिए, 2 साल का हो रहा है तो आप उसको 20 किलो खाद दीजिए, 3 साल का है तो आप उसको 30 किलो दीजिए, इसी तरह 5 साल तक 50 किलो। तो 50 किलो खाद 5 साल के बाद हर पौधे में आपको डालना है, जो कंपोस्ट होता है जो हम गोबर का खाद सीधा बनाते हैं। लेकिन अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या प्रोम है, जो आप हमने फास्फोरिक रिच ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं जो कृष्ण चंद्र जी ने बताया गया है, तो आप इसकी मात्रा 1/3 कर सकते हैं, यानी वो आपको 2-3 किलो ही।
लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर आपके पास में कंपोस्ट खाद है तो थोड़ा उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिलाइए, और इस प्रकार प्रत्येक पौधे, जितने पौधे हैं, मान लिए 100 पौधे हैं और आपके पास 2 साल का पौधा है, तो 20 से गुना करिए और 100 से करिए, तो 100 के 20,000 किलो यानी कि 20 क्विंटल आपको खाद चाहिए। आपको ये खाद की तैयारी करिए। इसके साथ आप थोड़ी नीम की खली भी डालिए, अगर आपके यहाँ थोड़ा दीमक का प्रकोप है और दीमक से बचना चाहते हैं या दीमक की सेफ्टी करना चाहते हैं, तो आप उसमें कम से कम 200 ग्राम प्रति पौधा नीम की खली का भी इंतजाम करें। अच्छे अमरूद पाने के लिए और भी माइक्रो न्यूट्रेंट उसको चाहिए होते हैं, तो आप कम से कम 100 से 200 ग्राम बोन मीट मील, जो मैंने पिछली बार भी दिखाया था, आप प्रति पौधा उसका भी इंतजाम कर दीजिए। ये तीन मुख्य बातें हैं, जो चीजें हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो खाद की मात्रा मैंने बता दी है, प्रत्येक पौधे में कितनी खाद किस प्रकार करनी है उसकी तैयारी अभी से कर लीजिए, और जब हम इसकी कटिंग करेंगे उस टाइम इन सब की हमें आवश्यकता होगा, जब हम करेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो और दिखाऊंगा कि जब मैं इसका ये चारों तरफ से इसकी जगह बनाऊंगा और उसमें खाद देंगे और कटिंग, वो मेरा इसका संपूर्ण कटिंग का होगा। एक बात यहां पर यह ध्यान रखने लायक है, देने लायक है, कि इसके बाद मैं इसकी साल में एक बार कटिंग करूँ, अगले साल में दिखाऊंगा कि इसकी और क्या क्या तैयारियां होती है जब साल में एक बार कटिंग। इसके साथ ही मैं आपको एक दूसरा पौधा दिखाता हूं और उसमें यह भी बताता हूं कि उस पौधे में क्या समस्या है। आइए ये देखिए किसान भाइयों, ये मेरे घर पर दूसरा पौधा है, तो इन दोनों की मुझे प्रजाति नहीं पता कि क्या है। ये मैंने हीरो ऑर्गेनिक से लाया था मैं ये पौधे शुरू में, तो आप देखिए ये पौधा मैंने एक गलती की थी कि इतना बड़ा हो गया। मैंने सोचा पहले इसको ऊपर ले जाकर इसकी कैनोपी बनाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा हो गया था कि ये हवा में गिरने लगा था, तो मैंने इसको यहाँ से काट दिया था। ये देखिए इसकी कटिंग यहाँ से की, ये पहली कटिंग है यहाँ से की, और उसके बाद देखिए इसमें कितनी शाखाएं निकली थी, तो मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 5 शाखाओं का चयन किया था, और अब इन शाखाओं की मैं कटिंग करूंगा, जो मैंने बताया था एक एक फिट से, लगभग 1 से 1.5 फिट से मैं इनको काट दूंगा, और फिर इनमें कल्ले निकलेंगे, कैनोपी बनेगी और इसमें भी फूल आएंगे। आप इसे देखिए ध्यान से, कितना अच्छा तना बन रहा। सबसे बड़ी क्या समस्या है इसमें, कि इसमें जगह कम है, तो इसमें वो फार्मूला हम नहीं लगा सकते, तो इसके लिए मैं इतनी जगह करूंगा, ये मेरे पास इतनी जगह नहीं है। ये गड्ढा मैंने नीचे से बहुत चौड़ा बनाया है, तो इसमें खाद मैं इसके आसपास ही दूंगा निकालकर, तो ये यहाँ पर समस्या है। इसलिए घर पर अधिकतर वहीं पर पेड़ लगाए जहां पर बहुत ज्यादा जगह। आइए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, देखिए वैस डिकम्पोजर का कमाल दिखाऊ, नीचे को दिखाऊ, यहाँ लाता हूँ। ये देखिए केचुए कितनी भरपूर मात्रा में है, ये देखिए केचुए, ये देखिए केचुए, ये इतने केचुए आपने शायद नहीं देखे हो। इसी प्रकार मेरे खेत में भी केचुए, ये सब मित्र जीवाणु हैं, केचुए हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए कितने केचुए हैं, ये देखिए ये केचुए कहाँ से आए हैं किसान भाइयों। इसमें मैं वेस्ट डिकम्पोजर और जो अपना पत्ती का रस है और जो मेरा माइक्रो न्यूट्रेंट है वो डालता रहता हूँ, और वेस्ट डिकम्पोजर तो मैं सप्ताह में एक बार 50% पानी में मिलाकर देता हूँ। आप ध्यान से देखिए ये छेद देखिए, छिद्र कितने छिद्र हैं, इस जगह पर भरपूर मात्रा में केचुए आ गए। इसी प्रकार अगर आप खेत में भी वेज डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं तो केचुए आते हैं। सबको पता है कि केचुए एरिनेशन का काम करते हैं, इस तरह छिद्र में होते हैं और आपका जो वायु संचार है पौधे की जड़ों में होता है और कंपोस्टिंग में हमें बहुत सहायता मिलती है। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि अपनी अब तैयारी करेंगे और इसके बाद हम मिलेंगे जून के प्रथम सप्ताह में, जब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न है तो मुझे लिखें। एक बात मैं और बताना चाहूंगा किसान भाइयों, बहुत जल्दी शायद अगले सप्ताह रविवार तक हमारी वेबसाइट लॉन्च हो रही है, जिसका नाम है www.amazingkisan.com। इस पर जो किसान भाई हमारे ग्रुप अमेजिंग किसान ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं या अमेजिंग किसान मिशन से जुड़ना चाहते हैं, उनको रजिस्टर करना पड़ेगा, और जितनी भी बातें हैं ज्ञान संबंधित, अमरूद से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं,
वो एक प्रपत्र के रूप में, किताबें के रूप में वहां पर मिलेंगी, जब भी चाहें आप कर सकते हैं। एक किसानों की डायरेक्टरी बनेगी, तो आप अगर ये देखना चाहेंगे कि मेरे जिले में अमरूद की खेती करने वाले कौन से किसान हैं, उन सब की जानकारी मिलेगी, नींबू की है उस सब की जानकारी मिलेगी। तो आप मेरा उसमें सहयोग करिए और वहां पर जाकर अगले सप्ताह के बाद, अगले रविवार के बाद वहां पर जाकर अपने को रजिस्टर अवश्य कराइए, अपना नाम लिखिए, अपना पूरा पता लिखिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, क्या खेती करते हैं वो लिखिए, किस प्रकार की खेती करते हैं, और इससे हम सब किसानों का फायदा होगा। किसान तरक्की करेगा, देश तरक्की, हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे, देश तरक्की करेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।